जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका बीके ऑलराउंडर चैनल पर। दोस्तों, आज के स्वास्थ्य वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पेट की दर्द, सूजन, उल्टी, हबकी, उल्टी जैसी फीलिंग आना, इन सभी समस्याओं के लिए डायनाफोर्ड इंजेक्शन। जी हाँ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका साल्ट डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन आईपी होता है और इसका नाम डायनाफोर्ड है। और इसका जो निर्माता है वो स्टैनफोर्ड कंपनी है और इसका एमआरपी 19 रुपये 90 पैसे है। तो दोस्तों, इस इंजेक्शन को मस्कुलर ही लगवाएं। मस्कुलर लगवाने से ये इंजेक्शन अच्छा काम करता है और कोई भी साइड इफ़ेक्ट होने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। और इस दोस्तों, इस इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है, चोट लगी हो, एक्सीडेंट के कारण चोट लगी हो या टांके लगे हो, उनमें दर्द हो रहा हो, चोट के कारण दर्द हो रहा हो, पेट में दर्द हो रहा हो या पेशाब की थैली में पथरी हो, गुर्दे की पथरी हो या पित्त की थैली में पथरी हो, इन सभी समस्याओं में जो दर्द होता है उस दर्द को तुरंत ही कंट्रोल करके दर्द को तुरंत ख़त्म करता है, दर्द में तुरंत आराम देता है ये डायनाफोर्ड इंजेक्शन। इसको डॉक्टर लोग बहुत ही इस्तेमाल करते हैं। और इसी साल्ट का एक इंजेक्शन और आता है दोस्तों, उसका नाम डायनापार होता है, लेकिन आज हम डायनाफोर्ड इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो डायनाफोर्ड इंजेक्शन का इस्तेमाल आप चोट, मोच, दर्द, ऑपरेशन हुआ हो उसके बाद होने वाली दर्द, डिलीवरी होने के बाद जो दर्द होती है उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि जो इस महिलाएं बच्चों को स्तनपान कराती हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं, उनको दर्द में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और जो महिलाएं गर्भवती हैं उनको भी इस इंजेक्शन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि डाइक्लोफेनिक ये इंजेक्शन होता है और डाइक्लो की कोई भी दवा किसी भी फॉर्म में हो, चाहे टेबलेट हो, चाहे कैप्सूल हो, चाहे इंजेक्शन हो, प्रेग्नेंट लेडी को, गर्भवती महिला को नहीं लेनी चाहिए। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होती है और उसका गर्भपात भी हो सकता है। तो यदि दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के परामर्श अनुसार दवाई लें, वो आपको कोई दूसरी दवाई देंगे दर्द के लिए। डाइक्लो की कोई भी दवा गर्भवती महिला को नहीं खानी पीनी चाहिए, ना ही इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, इसका जो दर्द, पसलियों में दर्द हो, सर्दी के कारण दर्द हो रहा हो या हाथ पैरों में दर्द हो रहा हो, पेट में सूजन हो, इन सभी समस्याओं में भी इसका बहुत ही अच्छा काम है, बहुत ही अच्छा काम करता है। लेकिन इस इंजेक्शन को लगवाने के बाद पहले, इस इंजेक्शन को लगवाने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर कर लें, डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस इंजेक्शन को लगवाएँ। ये बहुत ही बढ़िया फैनलेस डाइक्लोफेनिक इंजेक्शन होता है, दर्द निवारक बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है। और दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, उम्मीद करते हैं कि हमारी जानकारी आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। और दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबा दें, जिससे कि आने वाले नए से नए अच्छे से अच्छे स्वास्थ्य वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, आपसे उम्मीद यही है कि आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे और आप इसको इस्तेमाल करवाएंगे अपने मिलने वालों को, जिनको यदि कोई भी दर्द की समस्या है, और उनको भी लाभ दिलवाएंगे। तो दोस्तों, मिलेंगे फिर किसी दिन नए वीडियो के साथ। तब तक मेरी आप ईश्वर से कामना है कि आप स्वस्थ, तंदुरुस्त और मस्त रहें। दीजिए इजाज़त, मिलेंगे फिर किसी दिन नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।